वेलकम फ्रेंड्स, ऋषिराज गेमिंग में आपका स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं कुछ टेम, कुछ नए डायनोस को, और कुछ कुछ हम नया बनाने वाले हैं। वो सब आपको धीरे धीरे वीडियो में पता चलता जाएगा। तो फ्रेंड्स, देखते हैं आज क्या क्या कर सकते हैं। आज आपको बड़ा मज़ा आने वाला है, और आज हम बहुत एक्साइटिंग चीज़ें करने वाले हैं, मज़ा आएगा। चलिए, जब मिलते हैं इंट्रो के बाद। हाँ तो दोस्तों, आज हम क्या करने वाले हैं। आज तो एक तो हम पैरासॉट टीम करने वाले हैं, और एक प्रिजर्विंग मिनमी बनाने वाले हैं, जिससे हमारा थोड़ा सा मीट वगैरह सेफ रहेगा। ये सब कुछ हम काम करने वाले हैं, काफ़ी मज़ा आने वाला है आपको। बस थोड़ा टाइम यहाँ रुके रहिए और देखते रहिए, बहुत मज़ा आने वाला है सीरियसली। तो पहले तो मैं एक काम करता हूँ, ये बोला बना लेता हूँ। बोला बहुत काम में आते हैं। ये क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए डाइनो को एक जगह रोक के रखते हैं, जिससे वो भागा नहीं पाता किधर भी। तो चलो देखते हैं क्या कर सकते हैं। एपेटाइजर यार, इसका मेरे को अभी कोई आइडिया नहीं सीरियसली। बस मैंने तो मोड लिया था, डाल दिया था, अभी कोई आइडिया नहीं। मैं तो मस्त इन्जॉय कर रहा हूँ, इधर उधर घूम रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। मेरे को कोई आइडिया नहीं है, तो इतना लोड लेके तो कौन खेलेगा। तो अभी देखते हैं क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ना, ये मोर्टल पिस्टल है, मेरे को ये बनाना है, ये नार्कोटिक्स। पता है क्यों? क्योंकि इससे ना हम उसकी जो टॉर्पोरिटी घट टॉर जो टॉर्पोर घटता है ना उसका, मतलब बहुत जल्दी से वो उठ जाता है। तो मेरे को उसको उठने नहीं देना, उसको मैं अगर ये खिला देता हूँ तो वो थोड़ा सा ठीक हो जाता है। तो बस मेरे को यही करना है। तो अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। फिलहाल जल्दी जल्दी से इसको बना लेते हैं। इसमें एक और इसके बारे में अभी आपको बता दूंगा, नए वीडियो में पता चल ही जाना है आपको धीरे धीरे। फ्रेंड्स, इसमें क्या है, एपिटाइज़र मैंने वो जो डाला है, क्या मॉड है, उसके बारे में मेरे को भी अभी खास अंदाजा ऐसे है नहीं, पर मैं सीखता जाऊँगा। एक्चुअली मुझे कुछ अभी खास ऐसा पता है नहीं, पर चलो देखते हैं यार, मौज करेंगे, मस्त डाइनो वाइनो पकड़ेंगे आज कुछ तो भी। और हाँ, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गया था बताना, जो हमारे पास चिकन स्टैक, जो भी मीट स्टैक्स होते हैं ना, तो उनको क्या है, अगर हम डिवाइड कर दें ऐसे वन 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 करके, तो वो जल्दी स्पॉइल्ड हो जाते हैं, जिससे हमें वो मिल जाते हैं, जिससे मतलब हम स्पॉइल्ड मीट बना सकते हैं, और स्पॉइल्ड मीट से हम नारकोटिक्स बना सकते हैं, जो हमें बहुत काम में आता है डाइनो को गिराने में और उसको टेम करने में। तो उसके बारे में भी हम धीरे धीरे समझते जाएंगे, मुझे थोड़ा थोड़ा आइडिया है उस बारे में। चलो देखते जाते हैं, सीखते जाते हैं। बाकी मैंने आप बोला वोला बना लिया है अपना। और हाँ, इम्पॉर्टेंट चीज़, ये बहुत सही चीज़ है, वाटर स्किन। इससे क्या होता है, हम थोड़े टाइम के लिए मतलब प्यास ही नहीं रहते, नहीं तो आपको तो पता है, थोड़ा आगे जाते ही हमको प्यास लगाती है और हमको वापस आना पड़ता है बेस पे या पानी की तरफ। तो इससे हम थोड़ा दूर तक जा सकते हैं, मतलब थोड़ा दूर ट्रैवल कर सकते हैं, और एक्चुअली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस टाइप के जानवर या फिर डाइनो हैं एक्चुअली आइलैंड पे। हमें तो अभी कोई आइडिया नहीं है सीरियसली कि क्या है। कोई ना यार दोस्तों, चलते हैं देखते हैं, मस्त। क्या टेंशन है भाई, पानी वानी पी के उचकते हुए, क्या बात है भाई, नीले नीले पेड़। ओफो, ओ भाई, ओ पैरासॉर भाई, ओ भाई, थोड़ा मेरे को तेरे को पकड़ने दे। ओ भाई कहाँ जा रहा है, बड़ा सही लग रहा है, मटकता हुआ जा रहा है भाई। ओ चलो पकड़ा तो सही, ये ले डंडे खा। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, भाई बेहोश हो जाए यार, कितने डंडे खाएगा, इतने में तो कोई भी बंदा भी बेहोश हो जाता भाई। बड़ा घूर के देख रहा था, मारेगा तो नहीं ना। ओ हो गया हो गया हो गया, चलो ये सही है। अब क्या, मस्त इसको फूड डालते हैं। मेरे को कोई आइडिया नहीं है फूड डालते क्या है, लेकिन चलो ठीक है, समझ सकते हैं कि फूड क्या है। तो भाई मैं तो सारे डाल देता हूँ जो भी मेरे पास अभी अवेलेबल है। नहीं, ब्लैक पल्स नहीं यार, क्या डालूँ, क्या दिमाग चल रहा है मेरा। चलिए काम करते हैं, चलो ये भी डाल देते हैं, ये भी डाल देते हैं, ये भी काम में आएगी आई थिंक। और क्या, और ये भी डाल देते हैं, थोड़े से इसको रख लेता हूँ, तो भूख लगी तो फिर टेंशन आ जाएगा ना बाद में। चलो खैर ठीक है, फाइन, अब होने दो इसको टेम। जब तक टेम हो रहा है ये, हाँ हो रहा है, हो रहा है, टेम हो रहा है, वेरी गुड, नाइस 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 नाइस। रेड कलर, काले कलर, रेड कलर का डाइनो हम टेम करने वाले हैं, और पता नहीं आई थिंक, ओ हो भी गया टेम, टेम हो गया क्या, हाँ टेम हो गया। मैं इसको सैडल पहना रहा हूँ, तो चलो ठीक है। अब क्या कर रहे हैं, चलो बैठ के मस्त चलते हैं, लचकते मचकते हुए, चल मेरे डाइनो, टू टू टू, क्या बात है यार, सही लग रहा है सही में।
फर्स्ट डाइनो यार, एक्साइटमेंट तो बहुत है यार भाई, इस आइलैंड का सबसे पहला डाइनो। और भाइयों, अब इस डाइनो के लिए एक लाइक तो बनता है यार, कितनी मुश्किल से हम इसको टेम कर पाए थे यार। भाइयों प्लीज़, एक लाइक तो बनता है। और अगर आप नए आए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हाँ, सब्सक्राइब के पास जो घंटी वाला आइकन है ना, उसको डेफिनेटली मतलब इतना जोर से दबा देना उस घंटी को कि उसकी घंटी की आवाज़ में मेरे को यहाँ तक सुनाई दे। सीरियसली, मतलब जो कर सकते हो ना, कमेंट, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब, मतलब कभी मज़ा सा आ जाए, मतलब ऐसा मोटिवेशन टाइप का मिल जाए ना कि एक दिन में 10-10 वीडियो डालना स्टार्ट कर दो। सीरियसली सुनो यार फ्रेंड्स, अब तो हम आ ही गए अपने बेस पर, तो देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं, या मेरे पास क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। अभी मेरे को इसको यूज़ करके देखना, एक्चुअली ये करता क्या क्या, इसकी पावर स्ट्रेंथ है क्या, मतलब ये बेरी कलेक्ट करता है या फिर मीट कलेक्ट करता है। अभी कोई खास आइडिया तो नहीं है मेरे को, लेकिन चलो देख ही लेंगे, समझ ही जाना है वो तो कहाँ जा रहा है ये भी। अच्छा, ये ऑप्शंस भी मेरे को समझने पड़ेंगे। चलो ठीक है, छोड़ो अभी, अभी हम क्या करते हैं। हाँ, मेरे को एक्चुअली ये बनाना है यार, फॉर्ज बनाना है। इसकी वजह से मैं रुका हुआ हूँ यार, मेरे को फॉर्ज बनाना है, और उसके बाद ये मेटल के ये टूल्स है ना, इनको बनाना है यार। इसके लिए मेटल इंग्रेडिएंट चाहिए, और मेटल इंग्रेडिएंट ये रिफाइनिंग फॉर्ज में पता नहीं मेटल को मेल्ट किया जाता है, मेरे को पता ही नहीं मेटल कहाँ मिलेगी। पर ठीक है यार, ढूंढते हैं, अभी तो मैं इसको चला के देखता हूँ। वो सही है यार, बैरी कलेक्ट करता है एक्चुअली, बढ़िया यार, मस्त बैरी कलेक्ट कर रहा है। सीरियसली काफ़ी अच्छी बैरी कलेक्ट कर रहा है यार। मैं तो पूरा दिन निकल जाता पर मैं इतना नहीं कर पाता था। चलो ये सही है यार, बेरी, अब हमको ना बेरी का टेंशन तो नहीं है, एटलीस्ट बेरी तो हमें ये लाके दे देगा। क्या नार्कोटिक्स की जरूरत पड़ती है ना, नार्को बेरी की? सही, मतलब वो काली बेरी। ओ पपलू, आई पपलू, क्या कर रहे हो तुम, हटो यहाँ से, हमारे बड़े पप्पू से लड़ोगे क्या? ओहो, ये क्या भाई, तुम तो गए बेवकूफ गए। अरे सही है यार, इतना छोटा मतलब, अबे साइज देख तू अपना, छोटे बच्चे फिर से कितना बड़ा है वो, मतलब किसी से भी लड़ेगा यार, हमारा बंदा है वो, समझ में आ रहा है? सुन रहा है, सुन रहा है तू, सुन रहा है? ले ले ले, एक और ले, पकड़े से बेवकूफ कहीं का, साले नशा करके चले आते हैं गेम में। चलो ठीक है, हमको तो मीट और हाइट दे गया, हमें और क्या चाहिए ज़िंदगी में, क्या बात है। अभी चलो चलते हैं भैया, आप और अपने मीट वीट को थोड़ा सा सेव करके रख लेते हैं भाई, कहाँ रख सकते हैं कहाँ नहीं रख सकते हैं, जरूरी है ना। चलो नार्को बेरी तो हमारे पास दम से आ गई है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले थोड़ा सा वो ही बना लेते हैं नार्कोटिक्स। इसके लिए नार्को बेरी चाहिए होती है हमें, और मोर्टल पेस्ट्री में बनता है ये, और नार्को बेरी और स्पॉइल मीट। तो स्पॉइल मीट मिलता है हमें मीट से, मतलब कोई सा भी मीट हो स्पॉइल तो होना ही होना है। तो हम बस ये नार्कोस बना रहे हैं, अभी देखते हैं इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान है, कुछ खास तो पता है नहीं भाई। आप देख रहे हो आप साइड से? अच्छा, मैंने अभी यहाँ एक प्रेजर्विंग मिल बना लिया है, और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। इसमें एक्चुअली हम थोड़े टाइम के लिए मीट को प्रिजर्व करके रख सकते हैं, तो रख लेते हैं चलो इसमें थोड़े से मीट को। और इसे इसको जो पावर देता है वो होता है स्पार्क पाउडर, तो स्पार्क पाउडर भी मोर्टल पिस्टल में ही बनता है। उसके लिए हमें एक स्टोन और एक फ्लिंट लगता है, दोनों को, इन दोनों से बन जाता है स्पार्क पाउडर, जिससे ये प्रिजर्विंग बिन पावर अप होता है, जिससे कुछ टाइम के लिए मतलब सेफ टाइप हो जाते हैं, समझ रहे हो ना, फ्रिज का काम करता है ये, कहते हैं फ्रिज हो रखा है ये भी, लकड़ी का फ्रिज। तो देखा है आपने कभी, कभी एक भी बंदे ने ये लकड़ी का फ्रिज देखा है क्या भाई? यार क्या कुछ भी चल रहा है यहाँ तो। चलो बना लेते हैं फटाफट से स्पार्क पाउडर, जल्दी 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 जल्दी। और क्या रह गया है आज, नशा पत्ती के लिए कुछ और रह गया है क्या? वो भाई जो बुलबुले वगैरह ऊपर, क्या सही लगता है ना रात में भी, देखो दोस्तों, देखो भाइयों यार, मतलब क्या बात है, नाइस गाइस नाइस। चलो हमारे पास बन गया सारा का सारा पाउडर, और फटाफट से हम इसको उसमें डालते हैं, और जल्दी से हमारे खाने को प्रिजर्व करते हैं, खाने को प्रिजर्व करते हैं भाई, कर लो। अरे ले ले यार, कहाँ डालेगा? अच्छा चलो ठीक है, मतलब इसी में डालेगा ऑब्वियसली यार, क्या क्या नशा बढ़ रहा है मेरा, नशा भाई। इसके टेक्सचर्स देख रहे हो ना, ऐसे हिलते हुए टाइप के, जैसे आग लग रही है भाई, जला तो नहीं देगा ना ये मेरा खाना, नहीं अंदर अंदर एकदम ऐसे बर्न हो गया, बूम। खैर जाने दो,
बढ़िया है, सब कुछ सही चल रहा है, मज़ा आ रहा है काफ़ी। अब क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। चलो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, मिलते हैं आपके नए एपिसोड में अगले दिन। और प्लीज़ इसने अभी सब्सक्राइब नहीं किया एक बार कर दें।